करते हैं अगली खबर का। खबर प्रयागराज से, जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा नैनी जेल भेजे गए हैं। दरअसल भदोही से उन्हें नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है और वहीं भदोही कोर्ट में अब पेशी के बाद उन्हें दरअसल शिफ्ट किया गया। दरअसल नैनी जेल के अलग बैरक में भी बाहुबली विधायक रहेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल विजय मिश्रा है। तो मध्य प्रदेश में हिरासत में लिया गया था और उसके बाद भदोही लेकर आए, कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद नैनी सेंट्रल जेल में विजय मिश्रा को भेज दिया गया है और वहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है वो। तो विधायक विजय मिश्रा, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि उनको और उनके परिवार को खतरा है और फिर अचानक से वो और उनकी पत्नी लापता हो गए थे और कुछ दिन बाद यानी कि 14 अगस्त को मध्य प्रदेश में उनकी मौजूदगी का पता चला और अब नैनी सेंट्रल जेल में वो शिफ्ट किए गए हैं। और मनीष पालीवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनीष, कल कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के बाद ही उन्हें शिफ्ट किया गया है। अब इस मामले को देखें तो किस तरफ बढ़ता हुआ, किस तरह के आरोप जो विजय मिश्रा पर लगे थे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर रखा है, फिर आगे किस तरह से सुनवाई होगी? रिति, देखिए अभी जिस तरह से ये पूरी घटना हुई और जैसे विजय मिश्रा लापता होते हैं उसके बाद मध्य प्रदेश से उनकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस ले आती है, इस दौरान वो अपनी जान का खतरा बताते हैं, लगातार उन्होंने शासन प्रशासन और अपने दुश्मनों पर आरोप लगाए थे कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है और उसके बाद उनको भदोही में ले आके न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन भदोही जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर इंतजाम को और दुरुस्त करने की वजह से उन्हें उनका जेल ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में भेजा गया है। यहाँ पर उन्हें एक अलग बैरक में रखा गया है। उनकी उनके आरोपों और उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बहुत ही सुरक्षित स्थान पर जेल में रखा गया है और अभी उन्हें 14 दिन के लिए फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल रखा गया है। आगे जब वो उनके पेशी पर जाएंगे तो आगे कैसा होगा उसकी जहाँ पे उन्हें जेल में रखा जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।